जल जीवन मिशन ऐप की लॉन्चिंग की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली जुड़े हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ऐप की लॉन्चिंग का यह कार्यक्रम, सीधी तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। जल जीवन कोष की भी आज से शुरुआत की जा रही है। जो काम किया जा रहा है उसके पीछे भी गुजरात का विस्तृत अनुभव है। पानी जैसे केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में वर्चुअली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हैं। जल शक्ति के निर्माण के साथ ही देश को जल समृद्ध बनाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी अनवरत प्रयासरत हैं। पेयजल, वर्षा के जल का संचयन, संचित जल का संरक्षण, संरक्षित जल का विवेकपूर्ण उपयोग, उपयोग में लाए गए जल को पुनः शुद्ध करके वापस उपयोग और नदियों की स्वच्छता, अविरलता, भूगर्भ के जल का पुनर्भरण, गंगा का कायाकल्प आदि सब विषयों पर आज एक साथ माननीय प्रधानमंत्री जी आपके मार्गदर्शन में जल शक्ति मंत्रालय काम कर रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आज इस ऐतिहासिक दिन आपके नेतृत्व में संपूर्ण स्वच्छता एवं जल संबद्ध समृद्धि के संकल्प की सिद्धि के लिए हम तन मन से जुटे हैं और आज आपके द्वारा मिलने वाला आशीर्वाद और आपके द्वारा पानी समितियों के सदस्यों के साथ किया गया संवाद निश्चित ही हम सब में एक नया विश्वास, एक नया आत्मविश्वास और इस संकल्प को सिद्ध करने की एक नई ऊर्जा प्रदान करेगा। इस अवसर पर हमें आशीर्वाद देने के लिए, अपना अमूल्य समय देने की महती कृपा करने के लिए मैं ऐसे सारे लोग जो आपके इस संकल्प को सिद्ध करने के लिए आपके नेतृत्व में जुटे हैं उन सब की तरफ से आपका एक बार पुनः स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद माननीय मंत्री जी। कोई छूट ना जाए तथा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की मूल भावना के अनुरूप जल जीवन मिशन राज्य सरकारों के साथ मिलकर तेजी से आगे बढ़ रहा है। पिछले दो वर्षों में कोविड की रुकावट के बावजूद हमारे इरादे रुके नहीं। इन दो वर्षों में 5 करोड़ से अधिक घरों में नल कनेक्शन दिए गए। माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन है कि देश में वाटर सिक्योरिटी हो, पानी की कमी विकास की गति को किसी प्रकार धीमा न कर सके तथा पानी की समस्या को सिर्फ मैनेज न किया जाए बल्कि उसका स्थायी समाधान किया जाए। इसी विजन को दर्शा रही है जल जीवन मिशन पर ये फिल्म। इक्कीसवीं सदी का प्रारंभ, गुजरात में आया विनाशकारी भूकंप, 20,000 से अधिक लोगों की मृत्यु, 1.5 लाख से अधिक घायल, 3.5 लाख से अधिक घर हुए प्रभावित। भूकंप के अलावा भी गुजरात के सामने थी बड़ी चुनौतियां। प्रमुख था जल संकट। हर साल 3 से 5 फीट गिर रहा था भूजल स्तर। सूखे की मार, दूषित पानी और उनसे होती बीमारियां, बढ़ता खेती का खर्च और वीरान होते खेत। अने हूँ गुजरात राज्यना मुख्यमंत्री तरीके ना मारा। मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने लिया संकल्प, पानी की कमी को मिटाना और गुजरात को समृद्ध बनाना, और दिया गुजरात को वाटर सिक्योरिटी का एक विजन। पूरी की बहुप्रतीक्षित सरदार सरोवर परियोजना, पानी की समस्या को हल करने के लिए शुरू की सुजलाम सुफलाम योजना, विश्व का सबसे विस्तृत कनाल नेटवर्क बनाया। इतनी सुजलाम सुफलाम कनाल, 21 नदियों ने जोड़े नारे। दिया बढ़ावा रेन वाटर हार्वेस्टिंग, आर्टिफिशियल रिचार्ज, माइक्रो इरिगेशन और सोलर पंप को, लाखों चेक डैम और खेत तालाबों का निर्माण, भूजल स्तर हुआ 3 मीटर तक ऊंचा, कृषि क्षेत्र में दिया पर ड्रॉप मोर क्रॉप का मंत्र, गुजरात में कृषि विकास दर 10% से अधिक, सूखे कच्छ और सौराष्ट्र तक जल पहुंचाने शुरू हुई पानी पहुंचाने की योजना, मुख्यमंत्री मोदी ने विश्व के सबसे विशाल वाटर ग्रिड का जाल बिछाया, उत्तर गुजरात के फ्लोराइड प्रभावित क्षेत्रों में पहुंचाया नल से जल। इस विजन से कि महिलाओं को पानी ढोने की समस्या से मिले मुक्ति, बने वो खुशहाल और सशक्त, और स्थापित किया वास्मो, वाटर एंड सैनिटेशन मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन, हर गांव में बनाया पानी समिति,
महिलाओं के हाथों में सौंप दी पानी की बागडोर और पहुंचाया स्वच्छ जल हर छोर। गांवों गांव आ बहनों ने पानी समितियों बनी अने आजे 5 वर्ष थया पानी नो आपके आपको वहीवट हमारी माताओं बहनों से। गांव गांव पेयजल का स्वप्न हुआ साकार, टैंकर और ट्रेन से पीने का पानी पहुंचाना हुआ बंद और अपने दृढ़ संकल्प के साथ बढ़ चले मोदी जी। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी। एक तिहाई देश में होती है कम बरसात, देश के सामाजिक और आर्थिक विकास में पानी की कमी से बाधा ना आए इसके लिए दिया एक विजन, वाटर सिक्योर नेशन। सबसे पहले शुरू किया स्वच्छ भारत मिशन, खुले में शौच से मिली मुक्ति, माँ गंगा को निर्मल और अविरल बनाने के लिए शुरू की नमामि गंगे परियोजना, माँ गंगा हुई निर्मल और अविरल। जन भागीदारी के लिए शुरू किया जल शक्ति अभियान, पानी के एकीकृत प्रबंधन और दीर्घकालीन सुनिश्चितता के लिए बना जल शक्ति मंत्रालय, शुरू की अटल भूजल योजना। लेकिन अभी और बढ़ना था इस विजन की गति और स्तर। स्वतंत्रता के 72 वर्ष बाद भी देश के 19 करोड़ ग्रामीण घरों में से सिर्फ 3 करोड़ 23 लाख घरों तक ही पहुंचता था नल से पेयजल। 15 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री जी ने आरंभ किया जल जीवन मिशन, यानी 2024 तक हर घर तक पहुंचे शुद्ध पेयजल। जल जीवन मिशन को लेकर के आगे बढ़ेंगे। मोदी जी ने गांव के लोगों के हाथ में पानी की व्यवस्था खुद करने की ताकत दी। जल की शुद्धता की जांच के लिए 7 लाख से अधिक महिलाओं ने लिया प्रशिक्षण और 25 महीनों के अंदर ही देश के 5 करोड़ घरों तक पहुंचा है नल से स्वच्छ जल। स्कूल और आंगनवाड़ियों तक भी पहुंचा है नल से जल। मेसन, प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, मोटर मैकेनिक, ऑपरेटर, फिटर, ये मिशन ला रहा है करोड़ों लोगों को रोजगार। जल जीवन मिशन के सार्वजनिक डैशबोर्ड पर हर गांव, हर घर की पेयजल स्थिति और वहां दिए जाने वाले पानी की क्वालिटी उपलब्ध है। देश बढ़ा जल सुरक्षा की ओर और 2024 तक पहुंचेगा हर घर जल। जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन के केंद्र में हैं गांव के लोग। गांव-गांव में विलेज वाटर सैनिटेशन कमिटीज पानी समितियां निर्णय करती हैं कि गांव में पानी की व्यवस्था कैसी होगी। इसी क्रम में अब माननीय प्रधानमंत्री जी विलेज वाटर सैनिटेशन कमिटीज पानी समितियों के साथ संवाद करेंगे। माननीय सबसे पहले उत्तर प्रदेश से पानी समिति के चेयरमैन श्री गिरिजाकांत तिवारी आपसे संवाद करेंगे। गिरिजाकांत नमस्कार। माननीय प्रधानमंत्री जी नमस्कार। गिरिजाकांत जी, बात की शुरुआत के पहले सबसे पहले तो मैं आपको जानना चाहूंगा, आपका परिचय चाहूंगा, जरा अपने बारे में बताइए। माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं विकास खंड, मैं ग्राम उमली विकास खंड बवेरू और जिला बांदा से बोल रहा हूं। मैं बीए तक पढ़ा हूं और अपने गांव के बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित करता रहता हूं और इसके अलावा खेती बाड़ी का काम भी करता हूं और जल जीवन मिशन के तहत पानी समिति से अध्यक्ष के रूप में जुड़ा हुआ हूं। तिवारी जी, ये बताइए कि पहले आपके गांव में पानी की क्या व्यवस्था थी और अब क्या बदलाव आया है? ये प्रधानमंत्री जी, पहले मेरे गांव में जलाशय, कुआं और हैंड पंपों के पानी से व्यक्तियों को पानी मिलता था। अब जल जीवन मिशन के तहत पेयजल, हर घर जल के माध्यम से सभी लोगों को शुद्ध जल मिल रहा है, जिससे बीमारी नहीं होती है। पानी तो आपके गांव में अब घर तक पहुंच गया है, इससे आपके परिवार और गांव में महिलाओं के जीवन में क्या बदलाव देखते हैं आप? हर घर नल से जल पहुंचने के बाद मेरे गांव के महिलाओं में
खाना बनाने में उन्हें आराम मिलता है, जिससे समय की बचत होती है। बचे हुए समय का प्रयोग हमारे गांव की महिलाएं अपने बच्चों को पढ़ाने में और पुरुष खेती बाड़ी के काम में प्रयोग करते हैं। क्या सबको, जब शुरू में जब आपने कहा होगा कि ऐसा नल से जल मिलने वाला है तो लोग विश्वास करते थे, और अब जब मिल गया तो उनको लगता है कि चलो एक अच्छा काम हुआ, गांव के लोग महसूस करते हैं क्या? जी माननीय प्रधानमंत्री जी, मेरे गांव के सभी लोग बहुत खुश हैं इस परियोजना से, और खुशी खुशी सारे लोग उसका प्रयोग करते हैं। सर तिवारी जी, मैं एक और बात जानना चाहता हूं, क्या आपके गांव में, मैंने जो शौचालय का अभियान चलाया था तो शौचालय तो बन गए होंगे, लेकिन क्या सब परिवारों में शौचालय का उपयोग होता है क्या? जी माननीय प्रधानमंत्री जी, मेरे गांव में हर घर में शौचालय बना हुआ है और मेरे गांव के सभी लोग शौचालय का उपयोग करते हैं, जिससे प्रदूषण, गंदगी और बीमारी नहीं होती है। गिरिजा कांत जी, मैं आपको और आपके गांव के सभी लोगों को बधाई देता हूं कि आपने इस काम के लिए इतना परिश्रम किया। हमारे बुंदेलखंड की बहनों बेटियों को जो समय अपने भविष्य के लिए लगाना चाहिए उसमें उन्हें पानी के लिए भटकना पड़ता था, अब धीरे धीरे ये स्थिति बदल रही है। पिछले 6-7 सालों में हमारी यही कोशिश है कि हमारी बहनें, बेटियां, माताएं, उनको हम सशक्त करें, उनकी गरिमा और बढ़ाएं। उज्ज्वला योजना, पीएम आवास, उसमें भी महिलाओं का नाम, मुद्रा लोन, महिला उद्यमियों को बढ़ावा देना, और अब जल जीवन मिशन, एक के बाद अनेक कार्यक्रमों की श्रृंखला, इसी संकल्प के प्रयास है। आप सभी इस संकल्प के साझेदार बन रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद जी। आइए अब हम गुजरात चलते हैं, श्री रमेश भाई पटेल जी से बात करेंगे। हाजी नमस्कार साहब। नमस्ते रमेश भाई, केम छो? आदरणीय प्रधानमंत्री जी, खूब मजा में छू, हूं पण खुश छू अने मारू आखू काम पण खुश है। अच्छा रमेश भाई, बताइए पानी की क्या व्यवस्था है आपके गांव में? हमारे गांव में सर प्रधानमंत्री जी 715 घरों में पानी नल से मिल रहा है, शुद्ध पानी पीने का मिल रहा है।